जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। ये लोग रामपाल कहाँ हैं? होगा कहीं यहीं। इन लोगों ने फिर से झगड़ा कर लिया। रामपाल को बुलाओ। मैडम अभी आकर बैठी हूँ, दो मिनट रुको और रामपाल को बुलाओ। मैडम रामपाल अंदर है, बुला कर लाओ। तुम दोनों इधर आओ। क्या झगड़ा है तुम दोनों का? ये हर टाइम फालतू बोलता रहता है। अजी यू ही फालतू बोल रहा है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ऐसा क्यों घूर रही है आप ही? क्या हुआ? बैठो। मैडम जी पानी। हाँ तो बताओ क्या बात है? मैडम जी अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। क्यों? ये बदतमीजी से बोलता है और मेरा कहा नहीं मानता। क्यों तू इससे फिर से बदतमीजी से बात करता है? क्यों नहीं मानता इसका कहा? अजी ऐसी बात ना, यू छोटी छोटी बात तो पता नाराज हो जाओ। बताओ मैं क्या करूँ? अरे भैया यू तो औरत का पहला काम है छोटी छोटी बात पे नाराज होना। अजी ऐसी बात नहीं है, हर बात में अपनी चलाने की कोशिश करता है ये। हाँ ये तो पक्का है, हर मर्द अपनी चलाना चाहता है। और ये बात भी छुपाता है। बहुत बुरी बात है कोई अपनी पत्नी या प्यार से बातें छुपाता है तो। अजी से दुख हो जा, इसलिए मैं से बात छुपा लूं। देखो जिससे हम प्यार करते हैं उससे सुख और दुख दोनों की बातें शेयर करना जरूरी है। बात छुपाने से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और जिंदगियाँ भी खराब होती हैं। यू तेरते लड़ाई लड़े या लाड़ प्यार भी करे? अजी जब लाड़ करे तो बहुत करे। देखो किसी इंसान की आदत होती है तू तड़ाक से बात करने की, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए उसको समझना चाहिए। अजी यू ही तो मैं समझाऊंगी। जाओ इतनी सी बात पर घर खराब नहीं किया करते। ए अगर तू इससे प्यार करता है तो बातें भी प्यार से ही किया कर। अजी आप जैसे कहोगे वैसी करूंगा मैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, इससे मैं लाड तो बहुत करूं पर ये समझती ना। और आज और सही, चल मेरी लड्डा। कुछ लोग प्यार करते हैं और छुपाने के लिए नौटंकी भी करते हैं। वो मैं कह रहा था। सुनो मेरा मन कुछ खाने का, कॉफी पीने का है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लो और चलो। ना मुझे तो घर जाना, यू खड़ा सुरजीत इसे ले जाना। हाँ हाँ मैं तो चला जाऊंगा। तुम नहीं चलोगे? मैं तो घर जा रहा हूँ अब। ठीक है तुम घर चले जाओ। हैं? ऊपर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कहीं बारिश वारिश तो नहीं आने वाली। क्यों? अरे मुझे छुट्टी दे दी ना। इससे पहले कि मैं छुट्टी कैंसिल करूं तुम चले जाओ। सुनो अपनी वाइफ को साथ लेकर आना। वाइफ क्यों? मिलना है मुझे उससे। तुझे क्यों मिलना है उससे? मैं देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है वो कितनी खूबसूरत है। कैसी भी हो तुझे के लेना। हाँ मुझे लेना है कुछ, उसे लेकर आना या मेरी उससे फोन पर बात कराना। मैं भी देखती हूँ कब तक छुपाता है। सुनो हाँ? मेरा मन कॉफी पीने का और पिज्जा खाने का कर रहा है। ओ भाई मेरे पे ना पैसे वैसे। अरे यार तुमसे पैसे को कौन बोल रहा है, साथ चलो ना। अरे यार पता नहीं यार तेरे के हुड़क उठ है, जब भी तू खुश होवे तुझे पिज्जा खाने को चाहिए और कॉफी पीने को चाहिए। हाँ बिल्कुल चलो। घर से जब उल्टा आऊंगा तो इसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में कॉफी पिला के लाऊंगा और पिज्जा खिला के लाऊंगा। ठीक है तेरे तो हाथ पांव पहले की ढाल ही चल रहे हैं, और वो अमित कह रहा तू बीमार है, तू तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो मुझे क्या हुआ देख ले तू। आजा बैठ माँ, तुझे बुखार तो ना अब? ठीक हूँ मैं तो बिल्कुल, देख ले। बिल्कुल ठीक लग रही है, तेरे हाथ में भी पूरा दम है। रहने दे तू। चल तू बैठ, मैं तेरे कुछ खाने ना, कुछ मत लावे। इतनी मुश्किल से तो छुट्टी मिले, दो मिनट तू बैठ जा। वो कहाँ है अमित? अभी गया बाहर है। को भैया दिन भर आता जाता रहे, बड़ी सेवा करे बेचारा मेरी।
ऐसा तो कोई सगा बेटा भी ना करे अपनी माँ की, जैसा हो दोस्त हो के मेरी सेवा करे। हाँ तो के हो गया ना बेटा, ऐसे दोस्त कहाँ मिले अब, ऐसे तो सगे भाई भी ना होते अब। हाँ माँ, तो तू सही कह रही है। चल तू बैठ, मैं तेनो खाने को लाऊं कुछ। हाँ ले आ, तू बना ले कुछ, वहाँ तो तेरे हाथ का खाना खाने को भी तरस जाऊं मैं। अरी माँ, यहाँ पिताजी की जो बैंत टंगी रहे थी वह कहाँ है? अरे जो आया बाहर से उसे ही छेड़क रहा, तेरे पिताजी के आखिरी निशान नहीं मन अंदर धरती ठाक है। ठीक है, कौन आ गया? या के चाह रही है? हाँ हेलो। हेलो, घर पहुँच गए तुम? हाँ हाँ पहुँच गया। माता जी ठीक है तुम्हारी? हाँ माँ ठीक है, आराम है माँ के। ओके चलो अपनी वाइफ से बात कराओ। वो वाइफ से? हाँ वाइफ से। वह तो ना है यहाँ। कहाँ चलेगी वो? वह तो माँ की दवाई लेने जा रही है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो मेरी बात कराना। आओगी तो मैं करा दूँ। अच्छा ओके। पता नहीं इसे के शौक चढ़ रहा है मेरी वाइफ से बात करने का। अब किस ते बात कराऊं, कहां ते लाऊं भविष्य की निया।